हे भगवान, ये लड़की ऐसे क्यों देख रही है? जानू, आई लव यू। तुम्हें कुछ और नहीं बोलना? सेम टू यू। अच्छा जानू, बताओ ना, तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ? बताओ ना, क्यों मरते हो मुझ पर? मरते हो या मरने का मन कर रहा है? तुम इतनी सुंदर जो, और तुम्हारे कजरारे में, और तुम्हारे सुंदर बाल, और ये तुम्हारी हंसी, और तुम्हारे डिंपल, और तुम्हारे लिप्स, और तुम्हारा फिगर, और तुम्हारे सुंदर नाखून, और तुम्हारे पीले दांत, पीले दांत। क्या? बस बस, पानी तो पी लूं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मेरी किस चीज से प्यार है? कोई खास वजह तो नहीं है। हाँ? बस एवी। अबे कंजरी सी सकल की, खुद को देखा है कभी? कुछ आता भी है तेरे को? बहुत कुछ आता है मुझे। अच्छा जरा एक हैक तो बताइयो। हैक्स अभी बताती हूँ। हैक्स तो मेरे खून में, कितने बताने हैं? 1,000, 10,000। इसे तो मैं मना ही लूंगी। और रही भाई हैक्स की बात, तो चलो इस वीडियो में मैं आपको हैक्स बताती हूँ। और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी लवी डबी जोड़ी कैसी लगी। इस बार मम्मी से पूरे 2,000 मांगूंगी लहंगा खरीदूंगी। क्या हर बार मम्मी वही पुराना लहंगा और दुपट्टा दे देती है, इस बार तो कुछ नया खरीदूंगी। मम्मी, मम्मी जी बोलो। जी मम्मी जी। एक जी लगा। जी मम्मी जी। जबान लड़ाती है। सॉरी मम्मी जी। एक तो गलती ऊपर से सॉरी। ओके मम्मी जी। बोला ना चुप रहे, फिर भी बोलने जा रही है। मम्मी, मम्मी के चाटे से मैं तो बच गई, पर लगता है अब इसी दुपट्टे से हैक करना पड़ेगा। चलो मैं आपको भी हैक बताती हूँ। इस लुक के लिए आप कोई भी प्लेन कलर की कुर्ती और लेगिंग्स पहन लो, और इससे मैचिंग कॉन्ट्रास्टिंग कलर का दुपट्टा ले लो। अब दुपट्टे की चौड़ी साइड को कुछ इस तरह से गले पर पिन अप कर दो। अब दुपट्टे के दूसरे एंड को कुछ इस तरह से पैरों के बीच से निकालते हुए इसके दोनों एंड को पकड़ के पीछे की तरफ पिन अप कर दो। और अब अपनी पसंद का कोई भी बेल्ट लगाकर लुक को कंप्लीट कर दो। और ये लो, तैयार है न्यू स्टाइल का दुपट्टा ड्रेपिंग। अब दुपट्टा ड्रेपिंग कह लो या न्यू स्टाइल की कुर्ती कह लो, इसे आप शादी सीजन में तो जरूर रॉक कर सकते हो। यार ये बेबी हेयर्स और फ्लाइज तो हमारा पूरा लुक ही खराब कर देते हैं। बट फिकर नॉट, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक मस्कारा की। वाह वाह, मस्कारा नहीं मस्कारा होता है, आप लोग भी इसकी तरह मस्कारा मत ले लेना। जहाँ भी आपके बेबी हेयर्स या फ्लाइज है, ऊपर कान के पास या फिर गले पर, जहाँ भी बाल निकल रहे हैं वहाँ पर मस्कारा इस तरह से अप्लाई करो, और ये लो जी, बिल्कुल क्लीन लुक आ जाएगा। सारे फ्लाइज उड़ गए और बेबी हेयर भी चिपक गए। अब ये हेयर स्टाइल कितना क्लीन और क्लासी लग रहा है ना। हेलो बेबी, घर पे कोई नहीं है तो मिलने आ जाओ ना। बेबी कोरोना के चक्कर में सब बंद है। अरे लॉकडाउन खुल तो गया है। अच्छा ठीक है, फिर अभी आती हूँ। अच्छा सुनो, वो ब्लैक वाली साड़ी पहन के आना, उसमें ना तुम बड़ी हॉट लगती हो। ठीक है। सुंदर से गर्लिश लुक को करने के लिए हमें चाहिए एक ब्लैक साड़ी। तो सबसे पहले साड़ी को अपने अराउंड इस तरह से लो और ऊपर से पेटीकोट के अंदर टक कर लो। अब सीधा जाओ पल्लू के पास, पल्लू को इकट्ठा करो और पीछे से इस तरह घुमाकर लेफ्ट कंधे पर रख लो, और जितना लंबा पल्लू चाहिए वो आपकी मर्जी है। तो चलो अब जल्दी से प्लीट्स बना लेते हैं। बस छोटे छोटे इस तरह फोल्ड करो, प्लीट्स बनाओ और पेटीकोट के अंदर टक कर लो। साड़ी तो पहन ली, तो अब चलो जल्दी से मैं ब्लाउज भी पहन लेती हूँ। अब हमें लेना है कोई भी चोकर नेक पीस जिसका कलर होना चाहिए रेड, मरून या फिर डार्क पिंक। अब बारी है हेयर स्टाइल की, तो जल्दी से टेल कॉम की हेल्प से बालों का मिड पार्टीशन करो और फ्रंट से दो फ्लिक्स निकाल लो, और अब थोड़े बाल ऊपर से इस तरह से पीछे ले जाकर उन्हें बॉबी पिन की हेल्प से पिन अप कर दो। नेक पीस से मैच करते हुए लिपस्टिक लगाओ और खुला पल्लू करके ये लो जी, आपका गर्लिश लुक तैयार है। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो लगता ही मस्त है।
बेबी तुम आ गए? हाँ मैं आ गई। थोड़ा पास आओ ना। ठीक है जो होगा देखा जाएगा। एक मिनट, जो होगा देखा जाएगा का मतलब? वो मुझे कोरोना है ना। अरे कहाँ जा रहे हो, बत्ती बुझाने? नहीं वैद, तुम्हारे लिए टैक्सी लेने। एक बुरी लंच लाई है तू? हाँ लाई हूँ ना। खाना कहाँ है? वो तो मैं भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। ये ले, अभी पहन कर आती हूँ। पर इसका पेटीकोट वो तो मैं भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, साड़ी पहनो और कर्व्स ना दिखे तो मजा ही कहाँ है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक हैक है, आप अपने पेटीकोट को जेगिंग से रिप्लेस कर दो। एक तो जेगिंग्स हाई वेस्टेड होती है और बॉडी से भी चिपकी हुई होती है, तो ये आपके कर्व्स को उभार कर दिखाती है और सारी फूली और फैली हुई सी भी नहीं लगती। एक बार ट्राई जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये हैक। वाओ यार, ये हैक कहाँ से सीखा तूने? मैं भी अनायसा देखती हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे हैक लेना, जल्दी से 1,00,000 लाइक कर दो। क्या फिगर है यार, काश मेरा फिगर भी ऐसा ही हो जाए। मैडम चड्डी के साथ गड्डी फ्री। नहीं जी। मैडम ये नया आया है, मेला पर ठेला फ्री। कहा ना नहीं चाहिए। अब क्या है? मैडम पैड। वाह बेशर्मी की भी हद हो गई है, अब तो पैड में भी कुछ ना कुछ भेजोगे, खून बेच दो उस पर। मैडम नोट पैड की बात कर रहा था। इस बार तो उसको छोड़ूंगी नहीं। मैडम जिगर पे फिगर फ्री। क्या सच में? हाँ ये देखो अनायसा का है। भाई कितनी भी अच्छी साड़ी पहन लूं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये गड्ढा जो बन जाता है मेरे पर। डोंट वरी भाई, हम अनायसा वालों के पास इसका भी हैक है। इसके लिए हमें लेना है वो ब्रा के अंदर जो कप्स होते हैं ना, हाँ यही वाले पैड। बस इसको इस तरह से फोल्ड करो और जहाँ पर भी आपका हिप डिप है वहाँ रख लो, और लो जी ये देखो हिप डिप गायब। और इस हैक के लिए शॉर्ट्स पहनना कंपलसरी है, तभी तो वो कप्स अपनी जगह रहेंगे, हिलेंगे नहीं। और अब साड़ी में लुक देख लो, क्या परफेक्ट फिगर आ रहा है। Tryna build it up. I wish I could make you stop. 'Cause baby, I love you. Guess I'm gonna dance. सुनना, मुझे बिल्कुल दीपिका जैसा लगना है, you know? तेरे से भी ज़्यादा सुंदर। एक काम करते हैं, तू ना मेरा मेकअप कर दे, उसके बाद चलेंगे पार्टी में। तेरा मेकअप और मैं बेवकूफ समझ रखा है क्या? समझना क्या उसमें, तू है ही बेवकूफ और घटिया भी। घटिया? तूने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा है? तू लगती है घटिया, और तू दीपिका का लुक करेगी, पपीता भी नहीं लगेगी तू उसके आगे। तू पपीते की बात करती है, तूने अपनी शक्ल देखी भिंडी कहीं की? भिंडी भिंडी तो सब ठीक है, पर दीपिका छोड़ तू कोमलिका का लुक भी नहीं ले सकती। और कोमलिका बनके ना तू अनुराग तो क्या उस सीधे साधे राम को भी नहीं बटा पाएगी। मैं तो देख लूंगी मुझे राम को पटाना है या रावण को, तू पहले पटा के दिखा ले जिसको पटा सकती है। जिंदगी भर सिंगल ही मरेगी तू। अबे जाना निकल यहां से। ये मेरा मेकअप करेगी, इसे क्या पता मैं इसकी माते। मेरी मदद करो, इकलौती तो मेरी दोस्त थी जिसे मेकअप आता था। हे भगवान अब मैं क्या करूं। पुत्री मैं हूं ना नाना देवी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस लुक के लिए कोई भी मजेंटा पिंक साड़ी को कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ पेयर अप कर लो। सिंपल ज्वेलरी, ब्राइट लिप्स, बिंदी और गजरे को तो बिल्कुल मत भूलना।
गजरे ने इस पूरे लुक में एक जान डाल दी है और दीपिका का लुक भी तो कुछ ऐसा ही था ना। तो बंद पल्लू में सारी की प्लीट्स लगाने के बाद बारी आती है पल्लू की, तो जल्दी जल्दी पल्लू की प्लीट्स को सेट करो और शोल्डर पर पिनअप कर दो। अब भाई पिनअप करने के बाद ये देखो, ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया, इसका क्या करें? डोंट वरी, बस कमर की राइट साइड पे जो कपड़ा अंदर टक है उसे बाहर निकालो। अब लेफ्ट साइड पे जो इतना सारा कपड़ा है ना, उन सबको इकट्ठा करो और प्लीट्स के नीचे से राइट साइड ले जाओ और राइट साइड पर टक कर दो। अब राइट साइड का जो पहले हमने कपड़ा निकाला था उसे भी अंदर टक कर लो। और अब देखो लेफ्ट साइड की फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम क्लीन और टिप टॉप। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप पसंद आया हो, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमें कमेंट करके भी जरूर बताना कि कौन सा लुक आप ट्राई करने वाले। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक। ये पार्टी नहीं थी, चौबीस।